आईपीएल 2021 को लेकर सभी टीमों की तरफ से लगातार अपडेट पे अपडेट निकल कर आ रही है, और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से आज गाइस यहां पे एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पे चेन्नई सुपर किंग की टीम ने बताया है कि 2021 के मिनी ऑक्शन में वो 3 खिलाड़ी को पूरी तरह से अपने टीम में इंक्लूड करेगी एंड अपनी टीम में इंक्लूड करके रहेगी 2021 के मिनी ऑक्शन में। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 बड़े खिलाड़ियों के बारे में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग की टीम के बारे में। तो गाइस चेन्नई सुपर किंग की टीम 2021 के आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ ऑलरेडी उन्होंने एक ट्रेड कर लिया है, और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के पर्स बैलेंस में अभी 19.7 करोड़ रुपए अभी मौजूद हैं, और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग ने टीम ने साफ साफ कह दिया है कि हमें 2021 के आईपीएल के लिए एक बहुत ही अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। चेन्नई सुपर किंग की टीम ने एक पूरी तरह से साफ कर दिया है, और ऐसे में गाइस मिडिल ऑर्डर को लेकर उन्होंने 3 खिलाड़ियों के नाम लिए हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले खिलाड़ी का नाम लिया है ग्लेन मैक्सवेल का। जी हाँ, मैंने आप सभी को कल भी बताया था जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि 2021 के आईपीएल के लिए वो ग्लेन मैक्सवेल के पीछे भागेंगे एंड इस पे महेंद्र सिंह धोनी का हाथ है। एंड महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट को उन्होंने खुद बताया कि ग्लेन मैक्सवेल को हमारे टीम में इंक्लूड कर लीजिए आप लोग 2021 के मिनी ऑक्शन में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 2020 के आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल में परफॉर्म नहीं किया था, तो कोई भी टीम उनके ऊपर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, तो चेन्नई सुपर किंग की टीम सस्ते में ग्लेन मैक्सवेल को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है एंड गाइस एक बहुत बड़ा हाथ वो मार सकती है। और ग्लेन मैक्सवेल को किस तरह से यूज करना है ये महेंद्र सिंह धोनी डिसाइड करेंगे, एंड महेंद्र सिंह धोनी है तो किस तरह से यूज करना है वो उन्हें अच्छी तरीके से आता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस दूसरे जो खिलाड़ी का नाम यहाँ पे लिया है सीएसके के मैनेजमेंट ने, तो गाइस उस खिलाड़ी का नाम है इंग्लैंड के डेविड मलान। जी हाँ, डेविड मलान के पीछे इस बार काफी सारी टीम भागेगी, लेकिन फिर भी चेन्नई सुपर किंग की टीम ने कहा है कि डेविड मलान को 2021 की आईपीएल में टारगेट करेगी एंड 2021 के आईपीएल के लिए वो अपने टीम में इंक्लूड करना चाहेगी डेविड मलान को। डेविड मलान T20 के कमाल के बल्लेबाज, नंबर 1 बल्लेबाज, एंड इनके पीछे इस साल के मिनी ऑक्शन में पैसा बरसने वाला है, और साथ में इस रेस में अब चेन्नई सुपर किंग की टीम भी आएगी। चेन्नई सुपर किंग की टीम के पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है एंड गाइस 3 खिलाड़ियों का नाम लिया है, एंड उसमें गाइस यहाँ पे डेविड मलान का भी नाम लिया गया है, एंड 2021 की आईपीएल के लिए वो डेविड मलान को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस तीसरे जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनका नाम है स्टीव स्मिथ। जी हाँ गाइस, यहाँ पे और स्टीव स्मिथ को लेके गाइस यहाँ पे बहुत सारी बातें कही जा रही है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 2021 के आईपीएल के लिए उनको इसलिए रिलीज किया क्योंकि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उन्होंने जो किया था ऋषभ पंत के साथ, इसी वजह से उसी को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम को अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से 2021 के आईपीएल के लिए उनको रिलीज कर दिया है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि 2021 की मिनी ऑक्शन में वो आएंगे, लेकिन काफ़ी ऐसी टीम होगी जो कि उनको अपने टीम में इंक्लूड नहीं करना चाहेगी एंड इसी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा बोली नहीं लगेगी। राजस्थान रॉयल्स की टीम उनको 11 करोड़ रुपये पे करती थी, लेकिन 11 करोड़ तक भी उनका प्राइस यहाँ पे नहीं जाने वाला है, सभी का ऐसा कहना है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम ने उनको भी इस लिस्ट में जोड़ दिया है एंड स्टीव स्मिथ को भी गाइस वो यहाँ पे टारगेट करने वाली है 2021 के आईपीएल के लिए। और सीएसके की टीम तो जरूर इनको इंक्लूड करना चाहिएगी अपने टीम में क्योंकि उनको चाहिए एक नया कप्तान आने वाले आईपीएल के लिए। तो गाइस स्टीव स्मिथ बहुत बेस्ट रहेंगे चेन्नई सुपर किंग की टीम के लिए, अगर चेन्नई सुपर किंग की टीम इनको अपने टीम में इंक्लूड कर लेती है तो चेन्नई सुपर किंग के एक कप्तान मिल जाएंगे एंड बहुत ही कमाल का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी उनको मिल जाएगा। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। चेन्नई सुपर किंग की टीम ने मिडिल ऑर्डर को लेकर इन 3 खिलाड़ियों के नाम लिए हैं, तो इस 3 में से कौन से खिलाड़ी को चेन्नई सुपर किंग की टीम को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहिए, तो आप लोग अपना
अपना अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।